हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी हेल्दी बेबी फूड आप ये 8 महीने के बड़े बच्चों को दे सकते हैं और इसमें यूज़ करी हुई चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक नाशपाती, अच्छे से धो के छील लीजिए और छोटे पीसेज में काट लेंगे। इसमें फाइबर होता है जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में आराम देता है। अब डालेंगे 3 चम्मच ओट्स, आप कम या ज़्यादा अपने बच्चों के डाइट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें विटामिन मिनरल्स और बच्चों को एनर्जी देता है। डालेंगे 1 अजवा खजूर, इसमें मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब डालिए 1 प्रून, ये बच्चों में डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में हेल्प करता है। डालिए थोड़ा सा पानी और स्लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख दीजिए। एक उबाल आ जाए तो थोड़ा हिला देंगे और डालेंगे 1 इलायची केला। इलायची केले में पोटेशियम होता है जो बच्चों के बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए और स्टीम में पकने देंगे। अब ग्राइंडर में डालेंगे भीगे हुए 1 अखरोट और 2 मामरा बादाम, ये बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। बादाम को टेस्ट कर लें क्योंकि कुछ मामरा कड़वे भी निकलते हैं। अब इसमें डालेंगे पके हुए फ्रूट्स और अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको गाढ़ा लगे तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं। तो लीजिए, रेडी है हेल्दी फूड आपके बेबी के लिए। बाय बाय।